अंबाला आरटीए को फॉलो करने वाला गिरोह काबू, आरटीए की लाइव लोकेशन को किया जा रहा था शेयर, इसकी वजह से सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। इसमें बड़े ट्रांसपोर्टरों के नाम आ रहे हैं सामने। अंबाला एडीसी प्रीति की गाड़ी को भी किया गया था हिट। गिरोह के सरगना राजीव उर्फ गब्बर ने बना रखा था व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें शामिल थे 81 लोग जो कि गब्बर को इन्फॉर्मेशन देने दिया करते थे। 1000 से 1500 रुपए गिरोह के सरगना राजीव उर्फ गब्बर पर था बड़े ट्रांसपोर्टरों का हाथ। अंबाला आरटीए विभाग को मिली बड़ी सफलता। आरटीए को फॉलो करने वाला गिरोह काबू, जो कि आरटीए की लाइव लोकेशन किया करता था शेयर, गिरोह के 8 लोगों को किया गया काबू। इन्फॉर्मेशन के तहत पता चला कि किस तरह से अंबाला आरटीए को फॉलो किया जा रहा है। ऑफिशियल ग्रुप्स में कोई भी नहीं मिला, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स थे और ये कुछ ड्राइवर्स ही थे जो आपस में इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। ये लोग बाइक्स पे और स्कूटी पे मूव करते थे हम लोगों की लोकेशन लेने के लिए, और इसमें ऑफिशियल्स का अभी तक किसी तरीके का कोई पता नहीं चल पाया है। बाकी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आता है तो हम आप लोगों से। अभी प्राइवेट बसों की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। मोस्टली ये लोग टिपर वगैरह चलाने वाले डंपर हैं इनके। इनफैक्ट एक चीज़ और भी जो सामने आ रही है, ये तो हम ओवरलोडिंग व्हीकल्स की वो बात कर रहे हैं जो हमारे सामने आ गए, मगर जब हमने इन मोबाइल्स को फरोला तो हमने ये पाया कि बहुत सारे इलीगल माइनिंग वाले ग्रुप भी सक्रिय हैं यहाँ पे, जिनके बहुत अलग अलग से नाम हैं। बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ दी जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने भी अपनी एनर्जी अभी उतनी ही लगाई है जितना हम लोग 24 घंटे के अंदर लगा सकते थे। आगे की चीज़ें हम बना, इसलिए मैंने अभी FIR की कॉपी नहीं देखी थी। और आप लोगों को जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जिस समय पे हमने उस गाड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था, उस समय पे 188 में शायद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, तो वो लोग हमारे पास आए, पेश जैसे किया तो मैं भी उठाते हुए उनसे, उन्होंने कहा कि हमने तो नॉर्मली ड्रिंक कर रखा था और हम लोग आपकी गाड़ी को देख कर भी घबरा गए, और हम लोग वहाँ से तेज़ गाड़ी चला करके वहाँ पे, और आप लोगों ने हमारा नंबर नोट कर लिया और फाइनली मुकदमा दर्ज हो गया। अभी जब हमने इनका सरगना पकड़ा तो उधर उसने पूरी इन्फॉर्मेशन एडियर की थी, क्योंकि जो I-20 पीछा कर गई थी आपकी वो हमारी ही गाड़ी थी, और वो पूरी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उसने रिवील की है, और वो पूरी पुलिस के पास वो तथ्य जाएंगे और बाद में बदला रिपोर्ट दूंगा, तो सभी सेक्शन जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो लगेंगे। ओवरलोडिंग वाहनों को आरटीए की नजरों से बचाकर अंबाला से बाहर भेजा जाता था। अंबाला एडीसी प्रीति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी इसकी जानकारी। शनिवार को होगी पुलिस की कार्यवाही, इसमें बड़े ट्रांसपोर्टरों के नामों का भी खुलासा होगा कि आखिर कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। इसमें 400 से 500 लोग शामिल हैं। गिरोह के सरगना राजीव उर्फ गब्बर ने बना रखा था व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें शामिल थे 81 लोग जो कि गब्बर को इन्फॉर्मेशन देने के 1000 से 1500 रुपए तक देते थे। गिरोह के सरगना राजीव उर्फ गब्बर पर था बड़े ट्रांसपोर्टरों का हाथ। मेरा नाम रामेश्वर है, राजीव मेरा नाम राजीव है जी। मैं आरटीओ की रैगिंग करता था जी, ठीक है जी। और मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भाई थे जो मेरा सहयोग कर रहे थे। ठीक है जी, नाम भी है जी, कुछ को मैं भाई फेस से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ जी। ठीक है जी, वो मेरा सहयोग देते थे स्टाफ के साथ लड़के जी। उन्होंने बोला भी मैडम आई हुई है ADC, तो इसका पीछा मत करना आपको। ठीक है जी, मैंने इनकी कार का कोई पीछा नहीं किया सी आज का 88 का जी, सिर्फ मेरा काम था 18 नंबर के पीछे जाना जी। ठीक है जी, और इसके अलावा जो भी है बात, एक मेरा और रिश्तेदार भी फ़ोन आया था जिसका जी वैसे में उसमें रगड़ गया। एक ग्रुप और है जी जो जिससे मैं पैसे लेता था डोगरा जी, उसके लिए मैं काम कर रहा था जी। ठीक है जी, उसका लड़का भी हमारे साथ जी, तो इस हिसाब से भी है जी जो भी मैंने आपके साथ ये ट्रांसपोर्टर देते थे जी मेरे को, जो लोकल पब्लिक है बड़े हैं जी, इनकी गाड़ी में पार्क कराता था तो वो देते थे मेरे को 1000, 1500, 2000। ट्रांसपोर्टरों के नाम, ट्रांसपोर्टर कई घर में है जी ट्रांसपोर्टरों की, जिनको मैं नाम क्या है जी, नाम क्या फर्मों के, फर्मों के नाम मार के हैं जी उनके, कुछ भी है लला अग्रवाल ले लो या AS जिन फार्म नाम वैसे सुनालोगे जी लाला जी कहाँ है सुनाली ये नारायणगढ़ के हैं जी। ठीक है जी, कितने ट्रक हैं, एक रोड या एक 10-12 ट्रक होंगे जी तकरीबन, ज़्यादा ही हैं जी। 8 लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि आरटीए अंबाला को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा था और किस तरीके से हमारी लाइव लोकेशन और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, ताकि ओवरलोडिंग व्हीकल्स को बिना हमारी नज़रों में आते हुए किस तरीके से अंबाला से पार कराया जाए। तो अभी गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो पुलिस की कार्रवाई पैरेलली और करीब 8 लोग हमारे बड़े ट्रांसपोर्टर्स के नाम आ रहे हैं, और अभी आप लोगों को मुखातिब भी करेंगे इनके सरगना से, तो आपको सभी ट्रांसपोर्टर्स से मुखातिब करेंगे।
इसके अलावा जो सिंडिकेट की जहाँ तक बात है तो करीब 400 से 500 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अलग अलग ग्रुप्स थे कि आप लोग पैसा दीजिए। हर गाड़ी का 1500 से 2000 का रेट लगता था और एक्चुअली हर नंबर का। अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास दो गाड़ियाँ भी हैं या बड़ा ट्रांसपोर्टर 15 गाड़ियाँ भी हैं तो वो अपना नंबर ऐड कराने के लिए मंथ में 1000 से लेकर 2000 रुपये तक इन लोगों को देता था, जिसके बदले ये उनको लोकेशन देते थे। ये कुछ 5-7 लोग हैं, करीब 7-8 लोग हमारी गैस में आ चुके हैं और एक बंदा जो फरार है फिलहाल सचिन नाम का, उसको पुलिस की मदद से हम लोग जल्दी ले सकते हैं।